देवरिया में शासन द्वारा जनपद के नामित नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव राजनीतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा राजन शुक्ला अपने भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन सेंट्रल एकेडमी में स्थापित एल1 वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रस्तावित कोविड L2 हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय के L2 आइसोलेशन वार्ड और MCH विंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इलाज की व्यवस्थाओं को उन्होंने जाना, साथ ही तैयारियों को भी परखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कोरोना के संक्रमित मरीजों को समुचित इलाज, खाने पीने और अन्य सुविधाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव शुक्ला सबसे पहले सेंट्रल एकेडमी L1 हॉस्पिटल पहुंचे, जहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर उमेश और डॉक्टर अखिलेश कुमार से इलाज आदि एवं उनके रहने और दिक्कतों आदि के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से फोन पर बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। शुक्ला ने ACMO डॉक्टर VP सिंह को निर्देश दिए कि इलाज आदि में कोई भी कोताही ना बरती जाए। बताया गया है कि 3 शिफ्ट में प्रातः 8 से 2 बजे, 2 से रात्रि 9 बजे और 9 बजे से प्रातः 8 बजे तक चिकित्सकों एवं स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि 1000 लीटर का पावर स्प्रे सैनिटाइजर मशीन की उपलब्धता रखी गई है, जिसके माध्यम से हर समय नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाता है। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल प्रीतम मिश्रा भी मिली, जिनसे नोडल अधिकारी ने ऑनलाइन कक्षा के संबंध में जानकारी ली। उनके द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन शिक्षण का कार्य चल रहा है। सचिव शुक्ला ने स्टाफ की सैंपलिंग कराए जाने और सावधानी रखे जाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि वर्तमान में इस अस्पताल में कुल 55 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जिनमें 15 महिलाएं हैं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव उमानगर वार्ड में स्थित वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रस्तावित कोविड L2 हॉस्पिटल की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस अस्पताल में आस्था एवं पेनेसिया ग्रुप द्वारा L2 अस्पताल संचालित किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने सभी सुविधाओं सहित 2 दिन के अंदर इस अस्पताल को चालू किए जाने का निर्देश दिया। इस अस्पताल में विद्युत कनेक्शन दिए जाने हेतु अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया। बताया गया है कि इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सपोर्ट सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने एक लगे वेंटिलेटर मशीन की गहनता से पड़ताल की और उसके कार्य प्रणालियों के संबंध में जाना। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह, क्षेत्राधिकारी अंबिका राम, जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण कांत राय सहित तमाम उपस्थित रहे। देवरिया से ब्रिजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।